अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा, सेवन्थ क्लास आज के टॉपिक में हम लोगों ने आपकी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, उनको हम लोगों ने कवर करना है, उनके निशान लगाने हैं कि वो कितने करने हैं, कहाँ से करने हैं और कैसे करने हैं। तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, व्हाट आर द यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हुए हैं, अब सिर्फ ये देखना कि इनको करना किस तरह से, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। दो हेडिंग्स बनेंगी इसके अंदर, पहली होगी आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स की, या इसकी जगह पे आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट हेडिंग बनेगी एग्जांपल्स की। अब ये करने कहाँ से है बेटा, समरी के ऊपर जाना है आपने इस चैप्टर की। समरी के अंदर बेटा आपका पाँचवा पॉइंट बनता है यूटिलिटी प्रोग्राम, वो जो पॉइंट है वो आपने लिखना है यूटिलिटी प्रोग्राम की डेफिनेशन के अंदर, ये वाला। उसके बाद आपने एग्जांपल्स की हेडिंग देनी है और इन तीनों के नाम लिखने हैं, फाइल मैनेजर, यूटिलिटी, इमेज व्यूअर और डिस्क स्कैनर, इनके नाम लिखने हैं। और उसके बाद जिस अरेंजमेंट के अंदर नाम आपने लिखना लिखे हैं, मतलब फाइल मैनेजर का नाम पहले लिखा है तो पहले फाइल मैनेजमेंट की यूटिलिटी की डेफिनेशन, फिर इमेज व्यूअर की डेफिनेशन आ जाएगी और फिर डिस्क स्कैनर की डेफिनेशन आ जाएगी। इस तरह से बेटा आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और इसको याद करना है। होमवर्क इस क्वेश्चन का आप लोगों ने करना है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बनता है, राइट डाउन बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वाला हमने कल व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन एक हम लोगों ने पढ़ा था, वो सेम यही क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देखा था वो सेम यही क्वेश्चन था, सेम इसका भी वही आंसर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में से ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, एग्जांपल और उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शंस की हेडिंग देके जो नीचे फंक्शंस लिखे हुए हैं, जितने आपको तब निशान लगवाए थे उतने ही आप लोगों ने दोबारा करना, मतलब इसको सिर्फ याद करना है। जो पिछला क्वेश्चन था बेटा उसका होमवर्क करना, और जिसका होमवर्क कह रहा हूँ बेटा करते जाए, एंड पे ये कोई बच्चा ना कहे कि मेरे पास निशान नहीं लगे हुए, आपको साथ साथ सारा काम करवाया जा रहा है। तो बेटा अच्छी तरह इसको याद भी करें, और वो छोटा सा क्वेश्चन है, 4 से 5 लाइनें लिखने वाली सिर्फ, जिसका होमवर्क आपको मिला, तो उसका होमवर्क करना और बेटा याद अच्छी तरह इन दोनों क्वेश्चंस को करना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी किस्म का माइंड में हो तो ज़रूर पूछ लें, इंशाल्लाह बेटा उसका आंसर आपको जल्द अज जल्द दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।